मैं सरकार से अब विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया को मझधार में ना छोड़े जी, इसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक। सर, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का युवा नशे की तरफ। मेजर जनरल गगनदीप बख्शी पहुंचे गांव फाजिलपुर स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद को श्रद्धांजलि देने। मेजर जनरल बख्शी ने कहा कि सिपाही परमानंद स्वतंत्रता सेनानी के जाने से एक युगांत हो गया है। आपकी बातचीत करवाते हैं मेजर जनरल गगनदीप बख्शी से, जो कारगिल युद्ध के महानायक थे। नमस्कार। नमस्कार सर, आप बाबा के यहाँ पे आए हैं, तो बाबा के बारे में पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके जाने से सिपाही परमानंद यादव आजाद हिंद फौज जी, उनके जाने से एक युगांत हो गया है जी, एक युग का समाप्त हो गया है, जो हमारी आखिरी जीवित कड़ी थी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के साथ, वो टूट गई। एक बड़ा भारी अभाव हमारे जीवनों में आ गया है। और बहुत साहसी थे, बहुत जोश वाले थे, 100 साल की उम्र पे भी उनको जय हिंद बोलो जी तो वो ऐसे जवाब देते थे जैसे कोई शेर। बिल्कुल। 2019 में वो जो है रिपब्लिक डे परेड पर वो आए थे जी, उनको चार हमारे INA के सेनानी थे, भागमल जी, सिपाही भागमल, उन्होंने वो परेड अटेंड करी और वो शरीर छोड़ गए। तो ये इन्होंने अटेंड किया। उसके बाद वो बड़े फंक्शन हुए लाल किले में, वो सारे इन्होंने किए। और उसके बाद 103 वर्ष की आयु हुए शरीर त्यागा जी, उनकी याद में श्रद्धांजलि हम यही सबसे बड़ी दे सकते हैं जी, कि नेताजी की मूर्ति तो बन गई जी सर, और राजपथ स्ट्रोक कर्तव्य पथ पे वो आ गई है, इंडिया गेट की परिसर में, जहाँ किंग जॉर्ज 5 की प्रतिमा होती। एक चीज रह गई जी सर इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, और वो है एक शहीद स्मारक हमारे 26,000 आजाद हिंद फौज के शहीदों के। जी सर, मैं सरकार से अब विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया को मझधार में ना छोड़े जी, इसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक। सर, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश ये देना चाहेंगे कि आपकी मिसाल हैं सिपाही परमानंद यादव जी, ठीक है, 103 वर्ष की आयु तक जिए जी, हमारी 73 साल में ऐसी तैसी हो रही है, वो 103 वर्ष की आयु तक जिए। क्यों? क्योंकि बीच में एक जीवन को जो है ना संजीवनी बनाने वाली एक देशभक्ति की प्रेरणा जी सर, एक देशभक्ति की आस्था, एक नेताजी अपने से कोई चीज़ जो बड़ी है उसके प्रति इतनी श्रद्धा जी सर, इसके चलते ही उनका जीवन इतना हो गया। आपको और कुछ नहीं चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए। दीर्घ आयु सर, तो आप उनका अनुसरण करिए जी। क्या चीज थी जिसने उनको इतने इतने साल जीवित रखा जी सर? एक तो हरियाणा का घी तो है ही जी, जी सर। लेकिन लेकिन उसके अलावा जो एक देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति की भावना, मेरे से बड़ी मेरी माँ, मेरे देश, और उसकी सेवा में जब तक मैं लगा रहूँगा मुझे कुछ नहीं होगा जी सर। ये मैं आजकल जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, शराब की तरफ जा रहे हैं, मैं कहता हूँ और कुछ नहीं तो मरना तो कोई नहीं चाहता ना जी सर, दीर्घ आयु सब चाहते हैं जी सर। तो अगर आप उनके बताए हुए मार्ग पे अनुसरण करें, देशभक्ति का जज्बा अपने मन में भर लें, उसकी शराब भरें जी सर, साहब मेरी शराब मेरी देशभक्ति जी सर, ठीक है, ठीक है सर। मेरे को और कोई नशा नहीं चाहिए, देश से बड़ा नशा कोई नहीं जी सर, देश से बड़ा कोई ध्येय कोई नहीं, देश से बड़ा मेरे लिए कोई आइडियल कोई नहीं, ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं जी, मेरे लिए एक जज्बात। इस जज्बात ने महाशय जी को 103 वर्ष जीवित रखा जी सर, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते जी सर। धन्यवाद सर।